जी, हम बात कर रहे थे लीडरशिप की, व्हाट इज लीडरशिप चैप्टर नंबर वन पे ऊपर हम बात कर रहे हैं, और इस पे हमने बात की लास्ट लेक्चर में पावर के ऊपर, पावर की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, ट्रेट्स लीडरशिप क्या है, और अब हम बात करेंगे बिटवीन लीडरशिप एंड पॉजिटिव पावर। तो अगेन, उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हम जो है उस डिफिकल्ट टाइम पीरियड में जो है वो ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को जो है वो सपोर्ट कर सकें। ओके, अब हमने जब ये बात डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास जो है वो लीडरशिप और पावर को हमने डिस्कस कर लिया, और उसमें हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो है वो पावर क्या है, पावर लीडरशिप में क्यों ज़रूरी है, पावर की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, और फिर आपके पास कुछ पोजिशन की बेस पे कुछ पावर हो सकती हैं, कुछ आपके पास आपके पर्सनल बेस पे पावर्स हो सकती हैं। तो इसमें जो हमने कोर्सिव पावर की बात की है, तो जस्ट नाउ मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन लीडरशिप एंड कोर्शन। कोर्सिव पावर इज वन ऑफ द स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ पावर अवेलेबल टू लीडर्स। कोर्सिव पावर एक स्पेसिफिक टाइप है पावर की जो कि लीडर्स के पास अवेलेबल होती है। Coercion involves the use of force to effect change. इसमें आपके पास जो है वो आपको coercion में आपको authority को use करना पड़ता है, आपको force को use करना पड़ता है change लेके आने के लिए। To coerce means to influence others to do something against their will and may include manipulating penalties and rewards in their work environment. तो कोर्स करने का मतलब यह है कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करेंगे कोई ऐसी एक्टिविटी करने के लिए, कोई ऐसा काम करने के लिए जो उनकी मर्जी के खिलाफ होगा, जो उनकी जो आप उनको ऐसा काम करने के लिए मजबूर करेंगे जो उनकी विल के अगेंस्ट होगा, जो वो नहीं करना चाह रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप उनको फोर्स कर रहे होंगे वो काम करने के लिए। अब वो आप उसको कैसे फोर्स कर रहे होंगे, वो आपके पास पेनल्टीज की पावर है, आप पेनल्टीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि जी अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो हम ये पेनल्टीज इम्पोज कर देंगे, या आपके पास रिवार्ड्स की पावर है तो आप उनको कहते हैं कि जी अगर जो है आप ये काम नहीं करेंगे तो हम आपको ये रिवार्ड्स नहीं देंगे। तो समहाउ आप लोगों को फोर्स करेंगे उनकी विल के अगेंस्ट, उनकी मर्जी के अगेंस्ट कि वो ये काम करें, और आप वो उनको कैसे फोर्स करेंगे, वो आप अपनी पेनल्टीज की पावर को और आप अपनी रिवार्ड की पावर को मैनिपुलेट करते हुए जो है वो उनको फोर्स करेंगे। सो कोर्शन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ थ्रेट्स, पनिशमेंट्स एंड नेगेटिव रिवार्ड्स कैजुअल। तो जो कोर्शन है उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपके थ्रेट करते हैं आप लोगों को, आप पनिश करते हैं लोगों को, या आप नेगेटिव रिवार्ड्स स्केड्यूल कर देते हैं उनके अगेंस्ट। तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन लीडरशिप एंड कोर्शन। सो इट मींस, अब अगर हमने ये जो लीडरशिप और कोर्शन के रिलेशनशिप को हमने डिस्कस किया, अब अगर हम इसको अपनी डेफिनेशन के ऊपर अप्लाई करें, जो हमने लीडरशिप की डेफिनेशन ली थी, our definition suggests that leadership is reserved for those who influence a group of individuals toward a common goal. हमने ये कहा था कि लीडरशिप क्या है, कि आप एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कॉमन गोल के लिए, और ये क्वेश्चन से तो नहीं होगा, ये थ्रेट से तो नहीं होगा। सो लीडर हु यूज क्वेश्चन आर इंटरेस्टेड इन देयर ओन गोल्स and seldom are interested in the wants and needs of subordinates. तो वो लोग जो इस पावर को यूज करते हैं, वो लीडर जो इसको यूज करते हैं, वो सिर्फ अपने गोल्स में इंटरेस्टेड होते हैं, वो अपने ऑब्जेक्टिव में इंटरेस्टेड होते हैं, वो अपनी बेहतरी के लिए काम करना चाहते होते हैं, और कभी भी वो अपने सबऑर्डिनेट्स की नीड या वॉन्ट्स के लिए जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होते। क्योंकि अगर वो अपने सबऑर्डिनेट्स की नीड या वॉन्ट्स में इंटरेस्टेड हों तो उन्हें क्वेश्चन को यूज करने की जरूरत नहीं है, वो मोटिवेशन को यूज कर सकते हैं। सो यूजिंग क्वेश्चन रन्स काउंटर टू वर्किंग विद फॉलोअर्स टू अचीव अ कॉमन गोल। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, क्वेश्चन यूज करना इज समथिंग एल्स, वेयर एज बीइंग लीडर
अपने फॉलोअर्स के साथ मिलके काम करना कॉमन गोल के लिए इट्स समथिंग एल्स. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन एंड द प्रोसेस लीडरशिप विच वी हैड डिस्कस्ड. तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन क्वेश्चन पावर एंड लीडरशिप. और उसके बाद अगर हम इस चैप्टर के अंदर लास्ट पॉइंट की बात करें, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, तो मोस्टली हम जब मैनेजमेंट की बात करते हैं या लीडरशिप की बात करते हैं तो हम इसको समहाउ सेम समझते हैं. हम ये समझते हैं कि लीडरशिप और मैनेजमेंट जो है वो सेम है, इनकी बहुत सारी एक्टिविटीज सेम है, इनकी बेसलाइन सेम है, लेकिन इनके अंदर कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस हैं. अब वो टेक्निकल डिफरेंसेस क्या हैं? वो इनके फंक्शंस में का डिफरेंस है. इनकी मैनेजमेंट की फंक्शनिंग डिफरेंट है, लीडरशिप की फंक्शनिंग डिफरेंट है. अब उसके अंदर डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे हमने जो डिफरेंशिएशन किया है वो हमने मैनेजमेंट इस साइड पे लिया लेफ्ट साइड पे, और इस साइड पे हमने लीडरशिप लिया है. तो मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस ऑर्डर्स एंड कंसिस्टेंसी. थ्रू मैनेजमेंट आप ऑर्डर्स को प्रोड्यूस करते हैं और कंसिस्टेंसी लेके आते हैं. जबकि लीडरशिप क्या करती है? इट प्रोड्यूसेस अ चेंज एंड मूवमेंट. ये चेंज लेके आती है, मूवमेंट्स को लेके आती है. तो अगर हम फर्स्ट मेजर एक्टिविटी की बात करें मैनेजमेंट में, वो है जी प्लानिंग एंड बजटिंग. आप प्लानिंग करते हैं और बजटिंग करते हैं. इसके अंदर आप क्या करते हैं? यू एस्टैब्लिश द एजेंडाज, यू सेट द टाइम टेबल्स, यू एलोकेट द रिसोर्सेज. आप एजेंडाज को सेट करते हैं हमने क्या क्या करना है, आप टाइम टेबल्स को सेट करते हैं कौन सा बंदा किस टाइम पीरियड पे काम करेगा, आप रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं कौन सा बंदा कहाँ पे काम करेगा. जबकि इसके अगेंस्ट लीडरशिप में जो पहली एक्टिविटी है वो है एस्टैब्लिशिंग डायरेक्शन. आप डायरेक्शन सेट करते हैं, और डायरेक्शन सेट करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? यू क्रिएट अ विजन. आप एक विजन क्रिएट करते हैं, लोग आप लोगों को बताते हैं कि हमने करना क्या है. यू क्लैरिफाई द बिग पिक्चर. आप उनको बिग पिक्चर बताते हैं, बताते हैं ये जो 5, 7, 10, 20 डिफरेंट एक्टिविटीज हम करने लगे हैं, एट द एंड हम इससे क्या अचीव करना चाहते हैं. एंड यू सेट द स्ट्रेटजीज. आप स्ट्रेटजीज को सेट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में करना क्या है. मैनेजमेंट में जो सेकंड मेजर एक्टिविटी आपने करनी है वो जी ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग. यू प्रोवाइड द स्ट्रक्चर, यू मेक जॉब प्लेसमेंट्स. आज बंदा नहीं आया इसकी जगह पे कौन काम करेगा, इसको निकाल दिया इसकी जगह पे कौन आएगा. आप जॉब प्लेसमेंट्स सेट करते हैं. एंड यू एस्टैब्लिश रूल्स एंड प्रोसीजर्स. फिर आप उसके रूल्स और प्रोसीजर्स को भी सेट करते हैं. जबकि लीडरशिप में वी आर कंसर्न विद अलाइनिंग द पीपल. वी कम्युनिकेट द गोल्स. हम गोल्स को कम्युनिकेट करते हैं कि हमने क्या करना है, क्यों करना है. वी सीक द कमिटमेंट. हम लोगों की कमिटमेंट लेने की कोशिश करते हैं थ्रू मोटिवेशन, थ्रू गाइडेंस, थ्रू रिक्वेस्ट. वी बिल्ड द टीम्स एंड कोलिजंस. हम टीम्स को डिवेलप करने की कोशिश करते हैं ताकि बीइंग टीम जो है हम चीज़ों को सेट कर सकें. और जो थर्ड एक्टिविटी है हमारे पास वह जी कंट्रोलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. कि आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इसके अंदर यू डेवलप द इंसेंटिव्स. आप इंसेंटिव्स डेवलप करते हैं. यू जनरेट क्रिएटिव सॉल्यूशंस. आप क्रिएटिव सॉल्यूशंस को सेट करते हैं. यू टेक करेक्टिव एक्शन. अगर कुछ कुछ चीज़ गलत हो गई है, कोई चीज़ ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रही, तो आप उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं. जबकि इसके अगेंस्ट लीडरशिप में आप क्या करते हैं? मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग. आप लोगों को मोटिवेट करते हैं और इंस्पायर करते हैं. सो इंस्पायर एंड एनर्जाइज. बींग लीडर आप लोगों को इंस्पायर करते हो, आप उनमें एनर्जीज लेके आते हो. यू एम्पावर द सबऑर्डिनेट्स. आप अपने सबऑर्डिनेट्स को एम्पावर करते हैं. आप उनको डिफरेंट पावर देते हैं कि जी आप ये काम करें, आप ये काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमें आप पे ट्रस्ट है, आप इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करें. एंड देन यू सेटिस्फाई अनमेट नीड्स. और अगर कोई भी ऐसी नीड्स हैं जो सेटिस्फाई नहीं हो सके, जो आप फुलफिल नहीं कर सके, तो आप उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं. एट द एंड आपने चीज़ों को लेके चले, कुछ नीड्स पूरी नहीं हुई, तो आप अपने फॉलोअर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, गाइड करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है कि ये काम नहीं हो सका, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है, हमने इसके अगेंस्ट ये पॉइंट्स जो है वो हमने अचीव कर लिए हैं. तो ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हमने लीडरशिप की बात की, हमने लीडरशिप प्रोसेस के ऊपर डेफिनेशन की बात की, फिर हमने लीडरशिप ट्रेड डेफिनेशन के ऊपर बात की, फिर हमने लीडरशिप एंड पार्क पे बात की, फिर हमने लीडरशिप एंड क्वेश्चन पे बात की, और एट द एंड हमने लीडरशिप और मैनेजमेंट के दरमियान इसके जो मेजर फंक्शन हैं इसके दरमियान डिफ्रेंशिएट किया कि मैनेजमेंट के अंदर मेजर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी आती हैं और लीडरशिप के अंदर जो है वो मेजर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी आती हैं.